नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट कॉन्सेप्ट में। और आज एक सबसे बड़ी अपडेट आज आपको बता रहा हूँ कि गेट 2022 से रिलेटेड, जो कि गेट 2022 से रिलेटेड जो PSU जो है आज अपना नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है वन बाई वन। और भी जो PSU जो है वन बाई वन जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, तो यहाँ पर मैं एक एक PSU के नोटिफिकेशन की बात करूँगा। अगर आपको गेट से रिलेटेड और किसी एग्जाम के नोटिफिकेशन रिलेटेड कोई भी अगर आपको अपडेट लेनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लेट फर्स्ट, जो कंपनी जो है टोटल अभी तक 5 PSU जो है वो गेट से 2022 से आपके पास नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। तो फर्स्ट जो PSU है, दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPSCIL ने अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें लिख भी रखा है द रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इन NPSCIL थ्रू गेट। तो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। तो ET जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पोस्ट के लिए 2022 के लिए कौन कौन सी ब्रांचेज में जो है NPSCIL ने यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करेगा, दैट इज इन मैकेनिकल ब्रांच, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल ब्रांच। या फिर 6 ब्रांचों के अंदर यहाँ पर जो है पोस्ट आने वाली है। और अगर आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखना है, तो www.npcil.careers.co.in पर आप जाकर जो है देख सकते हैं। और जो गेट का फॉर्म जो है, उस गेट के फॉर्म का लिंक भी यहाँ पर दे रखा है। तो जो भी यहाँ पर गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो है बहुत सारे PSU जो है गेट 2022 से जो है रिक्रूट कर रही है। तो फर्स्ट PSU NPCIL, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है आफ्टर गेट एग्जाम जारी हो जाएगा, राइट। तो अब चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन पर, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड CIL। तो कोल इंडिया लिमिटेड हर बार जो है गेट के थ्रू जो है रिक्रूटमेंट लेता है। तो यहाँ पर इस साल भी यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड जो है गेट 2022 से आपके पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट ने यहाँ पर निकाल दिया है, राइट। तो CIL जो है कोल इंडिया लिमिटेड, तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, तो कोल इंडिया लिमिटेड आपके पास जो PSU जो है बहुत अच्छा PSU है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट जो है उसने पहले ही यहाँ पर निकाल दिया। जितने भी PSU हैं, बाकी जो PSU जो हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन डेट जो है आफ्टर गेट एग्जाम यहाँ पर निकालते हैं, बट कोल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है पहले से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप गेट 2022 की तैयारी कर रहे हो, तो आप यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं, बाद में यहाँ पर नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो 30 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, क्लोजिंग जो डेट है वो 24 सितंबर है। तो यहाँ पर आप कोल इंडिया लिमिटेड पर वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि डेट इसकी ज़्यादा अभी है नहीं है। 24 सितंबर इज द लास्ट डेट, सो यू कैन अप्लाई हियर फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2022, राइट। थर्ड जो PSU है, दैट इज गेल इंडिया लिमिटेड। जो गेल ने जो भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और एक अच्छा खासा नोटिफिकेशन जारी किया है गेल ने, कि हर साल जो है गेल जो है रिक्रूटमेंट कराती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एजुकेटिव ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए, मैकेनिकल ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, 3 ब्रांचों के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी करेगा। अब ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें सब पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दी है। तो 60% क्वालिफिकेशन जो है आपके पास जो है किसके लिए, इस पर्टिकुलर पोस्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए रहेगी। सेम यहाँ पर मैकेनिकल ब्रांच के लिए आपके पास कम से कम BTech की डिग्री होनी चाहिए, आइदर इन प्रोडक्शन मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल ऑटोमेशन। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है BTech की विथ 65% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, आइदर इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई ब्रांच। तो डबल ई ब्रांच या ट्रिपल ई ब्रांच वाले जो है 65% उनके अगर मार्क्स जो हैं अगर आपके पास हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो 3 ब्रांचों के लिए आप नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और डिटेल में नोटिफिकेशन जारी भी हो जाएगा। उसके बाद में बात करें रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर जो है SC ST के लिए 5% का जो क्राइटेरिया जो है BTech वाले कैंडिडेट के लिए, तो SC ST और PWPD के लिए आपको 65 की जगह अगर आपके पास 60% भी हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो देर आर 5% रिलैक्सेशन फॉर SC ST and PWPD कैंडिडेट, राइट। उसके बाद में अपन बात करें अपर टर्म्स एंड कंडीशन की, तो यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर कोर्स ऑफ करना चाहिए, पार्ट टाइम आपका नहीं होना चाहिए,
तो दिस ऑल आर द क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई ड्यूअल कोर्स भी है बीटेक प्लस एमटेक या बीई प्लस एमई तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं राइट। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में हैं उनके लिए भी यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हो। तो कैंडिडेट हु आर करंटली इन फाइनल ईयर 2021 to 2022 बट कंडीशन क्या है उसमें, या फिर आप डुअल डिग्री हो या फिर यहाँ पर आप बीटेक कर रहे हो, तो कम से कम आपके पास क्वालिफिकेशन के 65% मार्क्स जो हैं अप टू लास्ट सेमेस्टर तक आपके पास रिजल्ट जो आया है उसमें 65% कम से कम आपके मार्क्स में चाहिए ठीक है। और यहाँ पर आपके पास अगर एस सी एस टी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 60% जो है मार्क्स का क्राइटेरिया राइट। तो ये अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है फाइनल ईयर में फाइनल सेमेस्टर में तक तो आप जो है फाइनल ईयर स्टूडेंट भी जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और अगर उसकी डुअल डिग्री है 5 years की डुअल डिग्री है तो भी आप जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो विद द प्रायर अपलोडिंग ऑफ ऑल दिस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ राइट। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ करके आप यहाँ पर जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं राइट। और यहाँ पे जो कैंडिडेट जो 2020 के अंदर और अर्लियर कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है इस पर्टिकुलर एलिजिबल ट्रेनिंग के लिए। तो कम से कम यहाँ पर आपके सामने जो एज लिमिट जो है अपर एज लिमिट वो 26 years तक है। तो 16 March 2022 तक अगर आप 26 years से छोटे हैं कम एज है आपकी तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते राइट। तो यहाँ पर एज लिमिट जो है बहुत कम है 26 years फॉर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट आइदर इन इंस्ट्रूमेंटेशन आइदर इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट फॉर 3 branches राइट। इसके बाद में अपन बात करते हैं एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए। तो एस सी एस टी कैंडिडेट देर इज रिलेक्शन ऑफ 5 years एंड फॉर ओ बी सी कैंडिडेट देर इज रिलेक्शन ऑफ 3 years मीन्स एस सी एस टी कैंडिडेट 31 years तक यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं और ओ बी सी कैंडिडेट 29 years तक यहाँ पर फिल कर सकते हैं एंड 10 years सिलेक्शन फॉर पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट राइट। अगर आपके पास जो पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट हैं वहाँ पर जो है आप 10 years तक एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं राइट। और फॉर जनरल कैंडिडेट और 13 years अगर आपका पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट है तो और प्लस ओ बी सी कैंडिडेट हैं तो आप 13 years का यहाँ पर रिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आप एस सी एस सी कैंडिडेट हैं और पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट हैं तो आप जो है 15 years का जो है आप जो रिलैक्सेशन है वो आप ले सकते हैं ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की यहाँ पर रिलैक्सेशन है तो जो आपके पास कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं अपर एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर 5 years तक अपन रिलैक्सेशन दे सकते हैं फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेट नॉर्म्स राइट। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए यहाँ पर 5 साल के लिए स्पेशल रिलैक्सेशन है ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके लिए जो है स्पेशल रिलैक्सेशन राइट। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक्स सर्विस मैन के लिए। तो एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पर वो है पुट इन नॉट लेस देन 6 months कंटिन्यूस सर्विस। तो यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया जो है वहाँ पर एज जो एक्स सर्विस मैन है उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट जो है कितना होना चाहिए और कितने टाइम की सर्विस होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो यहाँ पर पेमेंट जो है वो आप जो है यहाँ पर उसकी वेबसाइट पर आप देख सकते हो पेमेंट के लिए। हेल्थ एंड मेडिकल कंडीशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर एंड हाउ टू अप्लाई। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आपको गेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा गेट 2022 के लिए। अगर आपने गेट 2022 के लिए अप्लाई कर चुके हो तो आप यहाँ पर सेकेंड कंडीशन है आपके पास 3 branches हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल राइट। इनमें आपको अप्लाई करना है गेट में। तो अगर इनमें आपने अगर अप्लाई किया है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं राइट विद प्रायर ऑफ एज लिमिट। तो एज लिमिट के साथ जो है यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको गेट कौन कौन से डिसिप्लिन में आपको फिल करना है, अगर आपने आई में फिल किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने एम ई के लिए गेट दिया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, डबल ई कोड के लिए आपने दिया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू दिस पर्टिकुलर गेट राइट। तो अगर आपको गेट में अगर आपने फॉर्म फिल किया है इन पर्टिकुलर कोड में तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पर कौन कौन से फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब ब्रांचों में आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मैकेनिकल एमई ब्रांच के लिए यहाँ पर मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले फिल कर सकते हैं, और प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल, इन ब्रांचों के अंदर आप यहाँ पर जो है बीटेक, या अगर आपकी है एमटेक, बीटेक प्लस एमटेक या बीटेक है तो भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए दो ब्रांचें हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर ये ब्रांच आपके पास हैं तो भी आप फिल कर सकते हैं, राइट। बट कंडीशन क्या है कि आपके पास गेट का आपके पास ये कोड होना चाहिए, आइदर IN, ME और डबल, अगर ये कोड है तो आप फिल कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपके पास की मिनिमम क्वालिफिकेशन और यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसीजर, राइट। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात अपन करते हैं कि किस तरीके से आपके पास पेपर डिसाइड हुआ, राइट। तो उसके बाद करते हैं गेट मार्क्स की, ठीक है। तो गेट मार्क्स सबसे पहले यहाँ पर प्रोसीजर जो है रिक्रूटमेंट का, उसके अंदर तीन यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज गेट 2022 मार्क्स, सेकेंड इज ग्रुप डिस्कशन, एंड थर्ड इज पर्सनल इंटरव्यू, राइट। ये तीनों जो है एड होके आपके पास जो है आप जो है अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि किस तरीके से आप अप्लाई करना है। तो पर्टिकुलर वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो आपके पास करियर का ऑप्शन आएगा, करियर का आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि किस तरीके से आप अप्लाई करना है, और उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दे रखा है कि कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं, यहाँ पे सारा जो है प्रोसेस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर गेट 2022 में अगर आपके पास इम्पोर्टेंट डेट दे रखे हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं गेट 2022 के लिए, और गेट 2022 अगर आपने फिल नहीं किया है तो आप फिल कर दें, क्योंकि लास्ट जो डेट है वो 24 सितंबर है, ठीक है। और अगर आप गेल के लिए फिल करना चाह रहे हैं तो आफ्टर एग्जाम ऑफ गेट 2022 वो 15 फरवरी को आप स्टार्ट होगा फॉर्म, और 16 मार्च को होगा, ठीक है। तो जो डिटेल में जो रिक्रूटमेंट निकलेगा उसकी डेट भी आपको दी, राइट। तो आफ्टर गेट एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बट सबसे इम्पोर्टेंट अपन बात करते हैं कि इसका जो है प्रोसीजर जो है वो आप देख सकते हो कि आपके पास इम्पोर्टेंट क्या है। गेट 2022 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए विद क्लियर ऑफ कट ऑफ। अगर आपने कट ऑफ क्लियर किए तभी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं आया है, अगर आप कट ऑफ के साथ, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज द रिक्रूटमेंट ऑफ गेल, राइट। देन वी गो फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ IOCL। IOCL ने बहुत शॉर्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी किया है, बट यहाँ पर सिर्फ इन्होंने इतना बताया है कि गेट 2022 के लिए यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेज जो हैं यहाँ पर वो रिक्रूट करने वाले हैं। तो देर आर 6 ब्रांचेज, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CS ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE ब्रांच, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग IN ब्रांच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ME ब्रांच, एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग MT ब्रांच। तो ये 6 ब्रांचेज के लिए IOCL का रिक्रूटमेंट आने वाला है। इसका मतलब अच्छे खासे यहाँ पे पोस्टें आएंगी, यहाँ 6 ब्रांचेज जो हैं इन पर आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब अपन बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर IOCL रिक्रूटमेंट के लिए, तो आप यहाँ पर IOCL की वेबसाइट पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, डेट इज रिक्रूटमेंट ऑफ पावर सिस्टम ऑपरेशन कंट्रोल लिमिटेड POSOCO, इसको शॉर्ट में अपन कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल स्पेशली रिक्रूटमेंट सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है, और डिटेल में यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए नोटिफिकेशन है, आप चाहो तो मैं यहाँ पर चैट बॉक्स, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पर ये रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो पोस्ट है, दैट इज पोस्ट इज असिस्टेंट मैनेजर इन पावर सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर इन पावर सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट। तो ये दो पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो इन दो पोस्ट के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास बीटेक और कंबाइंड डिग्री होनी चाहिए, राइट। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप गेट के लिए अप्लाई कर देना, फिर गेट के अप्लाई करने के बाद में आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं अपर एज लिमिट की। सो 28 ईयर्स इज द अपर एज लिमिट, एंड ऑन 31 जुलाई, राइट। तो 31 जुलाई 2022 तक अगर आपके पास, अगर आपकी एज जो है 28 ईयर्स तक है,
तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर 2088 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास देर आर टू टाइप्स ऑफ पोस्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन थर्ड लेवल, तो आपके पास जो सैलरी लेवल है वो 60,000 से 60,000 से 1,80,000 है। असिस्टेंट मैनेजर की भी E3 लेवल है 60,000 टू 1,80,000। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पोस्ट एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट। तो यहाँ पर मैं वन बाई वन एक पोस्ट ले बता रहा हूँ, फिर मैं सेकेंड पोस्ट ले बताऊँगा, राइट। अब यहाँ पर मैं कोर्स की बात करें तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो फुल टाइम आपके पास बीटेक होना चाहिए या फिर बीएससी इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, राइट। तो आप जो है इस पर्टिकुलर पोस्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पे अप्लाई कर सकते हो। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट, देन आपके पास या तो फुल टाइम एमटेक होना चाहिए, एमएस होना चाहिए, एमई, एमएससी इंजीनियरिंग, या फिर इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री दैट इज आईडीटी। अगर आपके पास ये डिग्री जो है, और उसके साथ साथ अगर आपके पास फुल टाइम बीटेक डिग्री है, बीई है, बीएससी इंजीनियरिंग है, आइदर इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम, तो भी आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिफिकेशन। देन बात करते हैं परसेंटेज की। सो देयर इज मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ 60% क्राइटेरिया और इक्विवेलेंट CGPA फॉर बीटेक, बीएससी और अदर टाइप्स ऑफ डिग्री, राइट। सेम 60% क्राइटेरिया फॉर सेकेंड टाइप ऑफ पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर, राइट। देन वी टॉकिंग अबाउट द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन और द ब्रांच। सो इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और पावर सिस्टम इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इन ब्रांच अगर आपके पास ये इन ब्रांचों में कोई भी ब्रांच जो है तो आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बट अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना है तो आपको पावर सिस्टम और इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉर असिस्टेंट मैनेजर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिफिकेशन, परसेंटेज और रिक्वायर्ड डिसिप्लिन। देन वी गो फॉर द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड टू द एज रिलैक्सेशन, राइट। तो यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर दे रखे हैं आपको, कि अगर आपके पास रिलैक्सेशन बात करूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलैक्सेशन, तो OBC SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है, ठीक है। सो फॉर OBC कैंडिडेट देर इज रिलैक्सेशन ऑफ 3 years, फॉर SC ST कैंडिडेट रिलैक्सेशन ऑफ 5 years, एंड द रिलैक्सेशन ऑफ 10 years फॉर PWD कैंडिडेट, राइट। और ये रिलैक्सेशन है, और बट यहाँ पे मिनिमम जो क्राइटेरिया जो है, जो परसेंट डिसेबिलिटी जो है वो 40% से अगर कम है, ठीक है, तो उसका जो PWD में जो है फायदा अपन उठा सकते हैं, ठीक है। दैट इज द बेनिफिट फॉर द PWD, राइट। उसके बाद में बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो यहाँ पर SC ST के लिए और यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन जो है वो आपको नए नोटिफिकेशन में यहाँ पर जारी हो जाएगा, राइट। उसके बाद में यहाँ पर OBC कैंडिडेट के लिए कुछ रिजर्वेशन है, वो भी आपका जारी हो जाएगा। रिजर्वेशन एज वेल एज रिलैक्सेशन दोनों यहाँ पर है, राइट। इसी तरीके से PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है, राइट। और जो पोस्टों के जो इंटरनल एम्प्लॉय जो हैं, अगर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उनको इंटरनल सर्कुलर पे जाके आपको वहाँ पर फॉर्म जो है फिल करना पड़ेगा, राइट। देन वी गो फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपको EE ब्रांच में यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 100 marks के बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपके पास जो GATE 2022 है, इनके जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं उनके बेसिस पे, प्लस ग्रुप डिस्कशन, प्लस पर्सनल, इन तीन थिंग के बेसिस पे आपको क्या है कि एक पहले आपको GATE 2020 के स्कोर कार्ड पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है तो आप ये तीन जो है क्राइटेरिया जो है यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ इन दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट, राइट। तो यहाँ पर कुछ क्वालिफाई, कुछ इंटरव्यू के लिए परसेंटेज दे रखे हैं। अनरिजर्व के लिए कम से कम आपको 40% क्राइटेरिया रखना है, और EWS कैंडिडेट के लिए 40%, OBC के लिए 30%, राइट। तो इनके लिए कम से कम इंटरव्यू के लिए इतना परसेंट क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए, राइट, इन गेट एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज द GATE 2022 मार्क्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट इज 85%। जो आपका गेट स्कोर कार्ड होगा, तो गेट स्कोर कार्ड में जो आपके पास मार्क्स हैं उन मार्क्स का 85% क्राइटेरिया यहाँ पे ऐड होने वाला है। तो आपके पास GATE 2022 का स्कोर जो कार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपको सिलेक्शन जो है इजीली दिला सकता है। 85% क्राइटेरिया आपका सिर्फ और सिर्फ
गेट स्कोर कार्ड या गेट के जो मार्क्स हैं वो होंगे। ग्रुप डेस्टिनेशन के लिए सिर्फ 3% मार्क्स हैं और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 12% मार्क्स हैं। तो आपके पास अगर गेट स्कोर कार्ड अच्छा है, अगर आपके पास पर्सनल इंटरव्यू अगर आपका अच्छा हो है, तो टोटल जो है आप 100% मार्क्स के बेसिस पे आप जो है सिलेक्ट हो सकते हैं। तो जो गेट 2022 दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट है, और फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, राइट, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्क्स काउंट होंगे वो नॉर्मलाइज मार्क्स काउंट होंगे। इन्होंने यहाँ पर येलो से नोट भी कर रखा है, देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स एंड नॉर्मलाइज मार्क्स। तो नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पर काउंट होंगे अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेपर होते हैं, अगर एक से ज़्यादा पेपर नहीं होते हैं तो वही मार्क्स आपके काउंट होंगे, राइट। फिर यहाँ पर अपन सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए पे स्केल जो है 60,000 से 1,80,000 है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कंपनी जो है अकोमोडेशन, कंपनी क्वार्टर और HRA एंड मंथली कमीशन फॉर एक्सपेंडिचर, मोबाइल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, PF, ग्रेटिट्यूड पेंशन एंड लीव, इन्वेस्टमेंट एंड अदर अलाउंसेस बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द अदर बेनिफिट्स विद सैलरी, राइट। सैलरी के अलावा जो है यहाँ पर आप दे सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट है। सैलरी यहाँ पर सेम है, 60,000 टू 1,80,000 पेस के लिए सेम। एंड ड्यूरिंग द 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर आपको जो है पहले यहाँ पर देखा जाएगा कि एक साल के लिए आप जो है किस कंडीशन पे हैं, उसके बाद में आपको जो है रिलेक्शन जो है दिया जाएगा, ठीक है। ऑल दिस टाइप ऑफ रिलेक्सेशन और ऑल दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर 1 ईयर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, राइट। और कुछ यहाँ पर सर्विस बॉन्ड भी हैं, तो सर्विस बॉन्ड यहाँ पे एक एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो यहाँ 3 साल का सर्विस बॉन्ड है। आपको 1,00,000 फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट और 50,000 फॉर SC ST PW कैंडिडेट आपको यहाँ पर सबमिट कराने पड़ेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एग्रीमेंट बॉन्ड भी यहाँ पर आपको साइन करना पड़ेगा। और दीज आर द स्पेशल रिक्रूटमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द गेट 2022। अगर आपको गेट 2022 का फॉर्म अगर फिल करना है तो आप जल्दी से फिल कर लीजिए, क्योंकि इस बार जो है वो सारे PSC जो है रिक्रूट करने वाले हैं। तो दीज आर द इंस्ट्रक्शन, स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, राइट। और आफ्टर गेट रिजल्ट जो है इसका एक नया रिक्रूटमेंट जारी होगा, जिसमें आप जो है गेट का जो इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट का जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अच्छा खासा रिक्रूटमेंट आने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है आपको मिलते रहेंगे। देन गो फॉर द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट, देयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने भी DRDO ने भी यार रिक्रूटमेंट जारी किया है। अभी शॉर्ट रिक्रूटमेंट है, द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी, DRDO में साइंटिस्ट भी के पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी किया है। तो इस पोस्ट में आप देख सकते हो कि आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए और उसके साथ रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा और कौन कौन सी ब्रांचेज जो हैं, लाइफ साइंसेज, कम्युनिटीज और सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी, इन आपके पास अगर आपके पास ये ब्रांच में आपने गेट का फॉर्म फिल किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द साइकोलॉजी स्ट्रीम, और उसके साइकोलॉजी स्ट्रीम के लिए जो कोड जो है गेट का वो XH है। तो अगर आपने इस कोड के लिए अप्लाई किया है तो DRDO रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोड के लिए स्पेशली जो है रिक्रूटमेंट जारी किया है, तो इस कोड वाले जो कैंडिडेट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो आपको जो है मैंने 5 PSC बताए हैं, फर्स्ट इज NPCIL, सेकेंड इज CIL कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इज द रिक्रूटमेंट ऑफ गेल, एंड फोर्थ इज IOCL, एंड फिफ्थ इज DRDO, राइट, एंड POSOCO, राइट। यहाँ पर मैंने आपको 5 रिक्रूटमेंट या 6 रिक्रूटमेंट बता दिए हैं PSU के थ्रू। अगर आपको और PSU के बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए।